नमस्कार, मानवाधन केंद्र की तरफ से आज हमारा इस योग का प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। लास्ट सेशन में हम कपालभाति के ऊपर डिस्कस किए थे। कपालभाति के प्राणायाम में क्या क्या बेनिफिट्स है, उसमें क्या हमको करने से क्या फायदा मिलता है और कैसे करेंगे उसके ऊपर हमने बात किए थे। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप जानते हैं प्राणायाम हमारा जीवन का एक अंग है। हम कभी ना कभी हम जन्म से आज तक हमेशा ही प्राणायाम हमारा साथ है, हम करते आ रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर आवार नहीं है, सचेतन नहीं है। तो आज जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऊपर, वो क्या है, कैसे करते हैं और उसको करने से क्या क्या लाभ मिलेगा, वो सब आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। करने से पहले आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सीधा बैठेंगे, हमारा मेरुदंड स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, सीधा रहेगा, सीधा बैठेंगे, हमारा स्पाइन और शोल्डर और हेड एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। और बैठने का पोस्चर है ऐसे सुखासन में जो पहले कर रहे हैं तो उनको तो पद्मासन या दूसरे आसन में बैठने का ऐसा वो बैठ नहीं पाएंगे, बैठने का कोई अभ्यास नहीं है, तो इसलिए सुखासन में ऐसे ही बैठेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर। ठीक है, और हाथ का मुद्रा चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा ऐसे रहेगा, ज्ञान मुद्रा ऐसे रखेंगे और शुरू करेंगे। घुटने के ऊपर हाथ ऐसे करेंगे। पहले हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है, ये जो दोनों नस्ट्रिल से नाक है, राइट लेफ्ट राइट नस्ट्रिल को ऐसे थंब फिंगर से कंट्रोल करेंगे और हमारा लेफ्ट नस्ट्रिल को दोनों फिंगर से लिटिल और बिग फिंगर से कंट्रोल करेंगे। ये दोनों फिंगर्स ऐसे ही रहेगा। पहले शुरू करेंगे, राइट नस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, ऐसे हल्का सा दबाएंगे, जोर से नहीं, कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, आराम से करेंगे, आरामदायक आराम पूर्वक हम इस प्राणायाम को करेंगे। बंद करेंगे राइट नस्ट्रिल को और लेफ्ट से सांस भरेंगे और लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट में सांस छोड़ेंगे, फिर राइट नस्ट्रिल से सांस भरेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। ये है एक राउंड, लेफ्ट में लेना है, राइट में छोड़ना है, फिर राइट में लेके लेफ्ट में छोड़ना है, ये है एक राउंड एक बार। ऐसे ही हम जब पहले शुरू करें तो 10 बार करेंगे, 10 राउंड्स करेंगे, कंटिन्यूस 3 फ्लो ऑफ एयर, कोई रुकावट नहीं, कोई ब्रेक नहीं या कोई जर्क नहीं, कंटिन्यूस 3 फ्लो ऑफ एयर, 3 फ्लो प्राण शक्ति। हम प्राण शक्ति को, जो आप जानते हैं कि प्राणायाम का मतलब है प्राण शक्ति को एक्सपांड करना। हम प्राणायाम ये सिर्फ नहीं कर रहे कि हमारे शरीर के अंदर सांस जा रहा है, सांस के साथ साथ एनर्जी भी जा रहा है प्राण शक्ति, जिसके माध्यम से हम हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो भी एक्टिविटी है वो सब हम कर पा रहे हैं। तो वो प्राण शक्ति को जागृत करना ही हमारा लक्ष्य है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है सबसे बड़ा प्राणायाम, जिसको जो हम पहले कर रहे थे कपालभाति, वो तो था एक प्रोसेस जिससे हमारा एक क्लिंजिंग टेक्निक, लेकिन तो रियल प्राणायाम शुरू होता है अनुलोम विलोम से। तो इसको ऐसे ही करेंगे और एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। आंख बंद करके करेंगे तो
ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा और अच्छी तरह से भी हम पढ़ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि हमारा नाक से कैसे शरीर के अंदर सांस जा रहा है या फ्लो पास कर रहा है। चलिए और एक बार देख लीजिए, बंद करेंगे राइट नोस्ट्रिल को, सांस भरेंगे फिर राइट में छोड़ेंगे। राइट में लेंगे फिर लेफ्ट में छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट में लेंगे राइट में छोड़ेंगे। जल्दी से नहीं करेंगे, जोर से भी नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आराम पूर्वक करेंगे, ज्यादा धीमा नहीं ज्यादा जल्दी नहीं, मीडियम गति मध्यम गति से हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास करेंगे। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से हमारा शरीर के अंदर जितने सारे जो सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारे के सारे सिस्टम ठीक हो जाता है, वो सब उसमें एनर्जी आ जाता है। कहीं पर भी कुछ हमारा शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन से वो सब बाहर निकल आता है और हमारा शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ीज है वो नाड़ी सब शुद्ध हो जाता है, हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है, शरीर के साथ साथ मन और हमारा जो आत्मा मन आत्मा शरीर और हमारा फिजिकल बॉडी मेंटल बॉडी और हमारा जो इमोशनल स्टेट इमोशनल बॉडी सब सब में बैलेंस आ जाता है और सब बैलेंस्ड हो जाता है। कहीं पर भी कुछ भी जो ब्लॉकेज है वो सब खुल जाता है। आप जानते हैं हमारा शरीर के अंदर 7 चक्रस है, वो सारे चक्रस चक्रस को ऊर्जा मिलता है और वो चक्र सब खुल जाता है धीरे धीरे। उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ेंगे तो वो सब बेनिफिट्स और हमारा शरीर के अंदर एक आध्यात्मिकता चेतना जागृत भी हो जाएगा। यही है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अनुलोम विलोम प्राणायाम की। और हम इसको करने से जो बेनिफिट्स मिलता है जो उपकारिता मिलता है वो जानेंगे। क्या है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनका डायबिटीज़ है और आर्थराइटिस है, एपिलेप्सी है, ये तो ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है यानी कि कैंसर जैसा प्रॉब्लम भी धीरे धीरे इसमें वो जो कैंसर पेशेंट को भी इसमें राहत मिलता है और धीरे धीरे ऐसा भी है उनको ठीक होने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है इसको प्रैक्टिस करने से। प्राणायाम हमारा इसलिए प्राणायाम हमारा एक जीवन का एक अंग है। इसको करने से हम जितने दिन जिएंगे जरूर अच्छे जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी हमारा शरीर के अंदर भी जागृत होगा और हमारा मन शांत हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। ये है इसका उपकारिता। और जिन लोगों को जो प्रॉब्लम से वो लोग तो करेंगे ही लेकिन ज़्यादा जोर से नहीं करेंगे। जिनका हार्ट का प्रॉब्लम मरीज जो हार्ट का मरीज है जिनका भी ऑपरेशन हुआ है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम से करेंगे, कोई जोर नहीं जर्क नहीं देंगे। जनरली हम फिट रहने के लिए इसको 5 से 10 मिनट तक तो करेंगे ही और जिनका कुछ प्रॉब्लम्स है डिजीज है तो वो लोग 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आराम से कर पाएंगे। और इसको ये ध्यान रखेंगे कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे
पेट में पेट थोड़ा खाली खाली होना चाहिए। मॉर्निंग में करेंगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो इवनिंग में हम कर सकते हैं खाना खाने के 4 घंटे के बाद। कई लोग पूछते हैं कि प्राणायाम क्यों करेंगे। प्राणायाम कर ऐसे तो हम सांस लेते हैं तो प्राणायाम से ज़्यादा बेनिफिट क्या मिलता है। नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो अराउंड 500 ml ऑक्सीजन हमारा शरीर के अंदर जाता है, लेकिन जब हम अनुलोम विलोम भस्त्रिका के माध्यम से हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर के अंदर 5000 ml से लेकर 10000 ml तक ऑक्सीजन जाता है। तो आप जरा सोचिए तो हमारा शरीर को कितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो आप ही जान जाएंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। दिस इज नथिंग बट ए ऑक्सीजन थेरेपी। चलिए शांति मंत्र करते हैं। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।